नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूँ गरिमा भारती। आज जल जीवन हरियाली अभियान को लेकर पूरे बिहार में मानव श्रृंखला लगाई गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से बड़ी कतार में लोग खड़े होकर जल जीवन हरियाली अभियान के लिए मानव श्रृंखला लगाए हुए हैं। इस अभियान को सफल बनाने के लिए आप हमारे पीछे देख सकते हैं कुछ महिलाएँ खड़ी है, हरी साड़ी पहनकर, महिला विकास मंच की महिलाएँ हैं। वीना मानवी हमारे साथ है। आप हरी साड़ी आप लोग पहनकर यहाँ पर खड़ी हैं, सपोर्ट कर रही है मानव श्रृंखला को? सपोर्ट कर रहे हैं सरकार को जी। लेकिन मानव श्रृंखला को महिला विकास मंच समझने के लिए आ जाई है कि आखिर मानव श्रृंखला ये जो चेन बन रही है, मानव श्रृंखला इतना बड़ा पूरे बिहार में करोड़ों रुपया खर्चा करके मानव श्रृंखला का प्रोग्राम किया जा रहा है जागरूकता फैलाने के लिए, तो क्या ये मानव श्रृंखला से जागरूकता बिहार में आ गई है? पिछले साल भी हुआ था शराबबंदी पे, तो क्या बिहार में शराब बंद हो गए हैं? पिछले साल भी हुआ था अत्याचार पे, तो क्या एक साल में दहेज प्रथा? हमारे पास 3 संगीला हत्याकांड को मैं मीडिया में रिपीट कर रही हूँ, पिछले सात महीने से वारंट इशू हो गया, उसको आज तक न्याय नहीं मिला। उसके फादर रोज मुख्यालय जाते हैं, वारंट इशू है, अरेस्ट नहीं हो रही। तो इस तरह की लड़कियां भी जल रही हैं, बलात्कार तो आप लोग देख ही रहे हो कितने न्यूज़ आ रहे हैं। तो आज महिला विकास मंच, ठीक है, जल जीवन हरियाली को हरा हरा पहन के हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हम प्लांटेशन हमारे हाथ में, हम खूब पेड़ लगाएंगे, वो मेरे सीमा क्षेत्र में। हम महिला विकास मंच पूरे बिहार की मेंबर्स को कहेंगे पौधा अभियान चलाओ, लेकिन ये क्राइम अभियान तो हमारे हाथ की चीज़ नहीं है, उसको हम कैसे रोकें? तो मानव श्रृंखला, नंगे पांव सरकारी स्कूल के बच्चे खड़े हैं आज मानव श्रृंखला में। क्या लाख रुपया खर्चा करके सरकार को नहीं चाहिए था कि उनको पहले चप्पल प्रोवाइड कराएं? प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो खड़े नज़र आ रहे हैं, उनको नोटिस गया है कि अगर आप कल नहीं आए तो आपको फाइन भरना पड़ेगा। तो आम जनता की भीड़ चाहिए थी मानव श्रृंखला में, जो हमें नहीं देखने को मिली। हम देखने आए थे, समझने आए थे। और जो लोग आपको एनसीसी के बच्चे नज़र आ रहे हैं, वो लोग तो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट लोग अगर मानव श्रृंखला में खड़े हैं तो उनकी मजबूरी है कि उनको खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार उन्हें पैसा दे रही है। आम जनता कहाँ है इस मानव श्रृंखला में? अगर सक्सेसफुल होता तो हमें आम जनता चाहिए थी। मैं सरकार का सपोर्ट करती हूँ, मैं सरकार के अगेंस्ट कभी कोई काम नहीं करती हूँ, लेकिन ये जो दहेज प्रथा, जहाँ महिला की बात आती है, तो दिल दुखता है कि आपका कुछ काम नहीं आएगा ये मानव श्रृंखला वगैरह। जो काम करना है वो काम करवाइए, सुरक्षित कीजिए महिलाओं को, सुरक्षित कीजिए पेड़ पौधों को। करोड़ रुपया का आप कुछ एक प्लांटेशन बड़ा काम कर लेते, प्लानिंग सच्ची होनी चाहिए। ये प्लानिंग से करोड़ों रुपया इसमें गया, पूरा सिस्टम गया इसमें, तो ये संतुष्टि नहीं है मन को। वो पैसा अगर महिलाओं के उत्थान में लगा दिए होते तो शायद कुछ अच्छा काम हो जाता। एक प्लानिंग देते मानव श्रृंखला के लिए, आओ ये काम करो, इस बार मानव श्रृंखला के नाम पे ये होना चाहिए। तो बस खड़े हो गए क्योंकि सरकार को सपोर्ट करना था, सरकार के तहत रह रहे हैं तो खड़े हो गए हम आके। मतलब धरती माँ को सुरक्षित करने के लिए तो खड़ी है, साथ ही साथ धरती की माँ बेटियों के लिए भी सुरक्षा मांग रही है। यस, एकदम मांग रहे हैं। और तमाम ये जो महिलाएं हमारी खड़ी हैं, आज प्रदेश अध्यक्ष हैं, मोतिहारी से आके खड़ी हैं, हमारी जो भी मीडिया कर्मी या राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब लोग खड़े हैं, लेकिन डिमांड तो करेंगे। हमारा मौलिक अधिकार है सरकार से पूछने का। एक तरह से सपोर्ट कर रही हैं इस अभियान को, लेकिन सवाल भी उठा रही हैं जो चीज़ें नहीं हो रही हैं। नहीं हो रही हैं उस पर सवाल उठा रहे हैं जी। तो हरी साड़ियां पहनकर महिला विकास मंच की जितनी भी महिलाएं हैं यहां पर समर्थन तो कर रही है, धरती माँ को बचाने की पहल कर रही है, लेकिन उससे पहले सरकार से मांग कर रही है कि धरती के ऊपर रहने वाली जितनी भी माँ बहनें हैं उनको सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। बहरहाल, बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।